Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। यह लगातार छठा सप्ताह था जब बाजार में बढ़त दर्ज की गई और बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार ने सबसे बेहतरीन क्लोजिंग दिखाई। बाजार ने 3 जून से बन रही ट्रेडिंग रेंज को भी तोड़ा और इसका मुख्य कारण TCS के पहली तिमाही के नतीजों के बाद टेक्नोलॉजी शेयरों में आई तेजी और FMCG शेयर रहे। मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस, पूर्ण बजट 2024 से जुड़ी उम्मीद और अमेरिका में उम्मीद से कम महंगाई ने बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया। पिछले हफ्ते बाजार 178 अंक से ज्यादा चढ़कर 24,502 के स्तर पर क्लोज हुआ। वही बैंक निफ्टी ने पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। में निफ्टी बैंक की बात करें तो 381 अंक गिरकर बैंक निफ्टी 52,278 के लेवल पर बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो FMCG सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़त हमें पिछले हफ्ते दिखाई दी, 0.4% की तेज़ी। IT में भी 0.4% की तेज़ी। CPSE इंडेक्स 3% से ज़्यादा। मीडिया 1.5% से ज़्यादा चढ़ा। फार्मा लगभग 1% से ज़्यादा चढ़ा। एनर्जी सेक्टर में भी हमें तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1%। वहीं मेटल जो है वो 2.5% से ज़्यादा टूटे। रियल्टी भी 2.5% और PSU बैंक में भी डेंट पड़ा 2% से ज़्यादा। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाज़ार की दिशा और दशा तय करेंगे, सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। अगला हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता होगा क्योंकि 17 जुलाई बुधवार को भारतीय बाज़ार बंद रहेगा। इवेंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो 15 जुलाई सोमवार को जापान के बाजार बंद रहेंगे। चीन के Q2 GDP आंकड़े भी 15 जुलाई को आएंगे। भारत में जून WPI महंगाई आंकड़े भी 15 जुलाई को ही आएंगे और फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की स्पीच पर भी भारतीय पार्टिसिपेंट्स नजर बनाकर रखेंगे। 16 जुलाई को यानी मंगलवार को US में जून रिटेल बिक्री आंकड़े, 17 जुलाई को बुधवार भारत के जो बाजार है वो बंद रहेंगे और UK में जून CPI महंगाई आंकड़े आएंगे 17 जुलाई को। US में जून इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आने हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। 18 जुलाई यानी गुरुवार को जापान में जून एक्सपोर्ट इंपोर्ट आंकड़े आएंगे। 19 जुलाई शुक्रवार को US में जुलाई कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़े आएंगे जिस पे बाजार की चाल निर्भर करती है। इसके अलावा अगले हफ्ते US में कई FOMC मेंबर्स के बयान आएंगे जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। आने वाले सप्ताह में 190 से ज्यादा कंपनियां अपनी तिमाही आय जारी करेंगे जिनमें प्रमुख कंपनियों के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स जैसे बड़े दिग्गज कंपनी के नाम शामिल है। 15 जुलाई को HDFC लाइफ, एंजल वन, जियो फाइनेंशियल, महाराष्ट्र बैंक के नतीजे आएंगे। 16 जुलाई को बजाज ऑटो, नेटवर्क 18, TV18 ब्रॉडकास्ट जैसे कंपनियों के नतीजे जारी होंगे। 17 जुलाई को एशियन पेंट्स, LTIM के नतीजे जारी होंगे जिस पर बाजार पार्टिसिपेंट्स अपनी नजर बनाकर रखेंगे। 18 जुलाई को इन्फोसिस, परसिस्टेंट, पॉलीकैब, टाटा टेक जैसे बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं। 19 जुलाई को रिलायंस, अल्ट्राटेक, सीमेंट, विप्रो, पेटीएम जैसे दिग्गज कंपनी अपने नतीजे जारी करेंगे और 20 जुलाई को HDFC बैंक, कोटक बैंक, कैनफिन होम और यस बैंक के नतीजे आएंगे जिसपे बाजार पार्टिसिपेंट्स अपनी नजर बनाकर रखेंगे। अब आते हैं बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रह सकता है। तो FIs की ओर से खरीदारी जारी है। गुजरे सप्ताह में भी FIs की ओर से खरीदने की जो गति है वो और बढ़ी है, इसलिए ध्यान इस बात पर रहेगा कि आने वाले हफ्तों में भारतीय इक्विटी में वो अपनी खरीदारी जारी रखेंगे या नहीं। और FIs ने पिछले सप्ताह कैश मार्केट में 3,884 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जबकि DIs की बात करें तो FIs से आगे निकलकर सप्ताह के दौरान 5,391 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। मई में IIP ग्रोथ 5.9% रही जबकि अनुमान 4.9% का था, यानी अनुमान से बेहतर IIP ग्रोथ रही। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। और इस बीच US डॉलर इंडेक्स 1 जुलाई के स्तर यानी 105.90 से गिरकर 12 जुलाई को 104.08 पर आ गया और इसी दौरान US 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.47% से गिरकर 4.19% पर आ गई। अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए नेगेटिव क्या साबित हो सकता है। तो महंगाई के मोर्चे पर फिर से आम जनता को राहत नहीं है। जून में फिर महंगाई बढ़ गई है, 4 महीने की ऊंचाई पर महंगाई पहुंच गई है। जून में रिटेल महंगाई 5.08% रही।
आईपीओ के मोर्चों पर अब बात कर लेते हैं। तो 15 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह में 4 नए आईपीओ खुल रहे हैं। इनमें से 3 एसएमई सेगमेंट के होंगे और 1 मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ होगा। मेन बोर्ड सेगमेंट में 19 जुलाई को सैनस्टार आईपीओ ओपन हो रहा है। वहीं एसएमई सेगमेंट में तूनवल ई मोटर्स 15 जुलाई को खुलेगा, 16 जुलाई को मैकोप्स टेक्नोलॉजीज और कटारिया इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी उसी दिन खुलेगा। अब एनालिसिस का क्या मानना है उस पर बात कर लेते हैं। तो आने वाले सप्ताह में बाजार की रफ्तार जो है वो जारी रहेगी, ऐसा एनालिसिस का कहना है। हालांकि बीच बीच के कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बाजार में और बजट से जुड़े शेयरों में खरीदारी जारी रहेगी। निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,440 से लेकर 24,380 के बीच में है निफ्टी का सपोर्ट लेवल। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 24,600 से लेकर 24,660 के बीच रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 52,000 से लेकर 51,900 के बीच रह सकता है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का 52,600 से लेकर 52,700 के बीच रह सकता है। तो हमने तमाम फैक्टर्स आपको गिनवा दिए जो अगले हफ्ते बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। आपको अगर भारतीय बाजार में कोई भी पोजिशन लेनी है तो अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। आपको जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।